हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आपको मैथ के वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करवाऊंगा, और इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने का मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊंगा। चलिए अब हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक, ए की आय बी से 20% अधिक है, दोनों मिलकर 12,100 रुपये कमाते हैं, तो दोनों के आय के बीच का अंतर क्या होगा? क्वेश्चन में दिया है ए की आय तो ए लिख लेंगे और बी की आय तो बी लिख लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में बताया है ए की आय बी से 20% अधिक है, माना कि बी की जो आय है वो है 100%, ठीक है। और कितने प्रतिशत अधिक है? 20% अधिक है, तो यहाँ पे आएगा 120। और अब हम जो है इन दोनों के बीच में अनुपात लगा देंगे, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, ये 6 × 12 और 5 × 10, ठीक है। आगे बताया है दोनों मिलकर जो है 12,100 रुपये कमाते हैं, दोनों मिलकर कितना कमा रहे हैं? 12,100 रुपये दोनों मिलकर कमा रहे हैं, ठीक है। अब हम जो है इसको भी जोड़ देंगे, तो ये आएगा हमारे पास 11, और इस 11 से अब डिवाइड कर देंगे। अब 11 × 11 और 1 बज के 11 × 11 और 2 0, ठीक है, 1100 आ गया। फिर आगे पूछा है तो दोनों के आय के बीच का अंतर क्या होगा, ठीक है। तो एक अनुपात है 6, तो 6 × 1100, ठीक है, और दूसरे का अनुपात है 5, 5 × 1100, तो यहाँ पे आ जाएगा, ये आएगा 6 0 0 6 0 6800, ठीक है। और यहाँ पे आएगा 11 × 5 = 55, यहाँ पे आएगा 5500, ठीक है। ये आगे ए की आय और ये आगे बी की आय, ठीक है। तो क्वेश्चन ने पूछा है दोनों के आय के बीच का अंतर, अब हम जो है इनको माइनस कर देंगे। जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 0 का 0 आ गया, 0 का 0 आ गया, 6 में से 5 गए 1, 6 में से 5 गए 1, 1100, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1100। क्वेश्चन नंबर 2, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात 1:2:3 है, तो सबसे छोटा कोण ज्ञात कीजिए। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपने इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो मान होता है वो होता है 180 डिग्री का, ठीक है। तो क्वेश्चन में बताया है एक त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात है 1:2:3। सबसे पहले हम इस अनुपात को लिख लेते हैं, अनुपात है हमारे पास 1:2:3, ठीक है। और फिर आगे पूछा है तो सबसे छोटा कोण ज्ञात कीजिए, तो साथ में हम जो एक्स जोड़ देंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1x + 2x + 3x, तो ये आएगा हमारे पास 6x = 180, यहाँ पे आ जाएगा अब, ठीक है। अब x = 180/6, 6 × 18 = 0, x = 30, ठीक है, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 30। तो क्वेश्चन में पूछा है सबसे छोटा कोण ज्ञात कीजिए, तो सबसे छोटा अनुपात में कौन सा है हमारे पास? सबसे छोटा है 1, ठीक है। तो 1 के साथ जो x लगा है इसमें हम जो है x की वैल्यू 30 भर देंगे, तो 1, इसलिए 1x = 1 × x की जगह आएगा अब 30, और यहाँ पे आएगा 30 डिग्री, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 30 डिग्री, सबसे छोटा कोण जो होगा वो होगा 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3, 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुणी हो जाएगी, रवि की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। माना कि रवि की जो वर्तमान आयु है वो है x वर्ष, ठीक है, कितनी है? माना कि रवि की वर्तमान आयु जो है वो है एक्स वर्ष, ठीक है। फिर क्वेश्चन में बताया है 15 वर्ष बाद रवि की आयु, 15 वर्ष बाद, तो यहाँ पे आएगा 15 + x, ठीक है,
15 वर्ष बाद रवि की जो आयु है वो है उसकी वर्तमान आयु से 4 गुणी हो जाएगी, तो 4 गुणा x, तो यहाँ पे आएगा 4x। ठीक है, अब 15 बराबर है 4x, ये x जो है प्लस का ही साइड जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का x। ठीक है, 15 बराबर है 3x, 3 × 3 और 5 × 3 = 15, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। तो इसमें जो रवि की जो वर्तमान आयु है वो है 5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 4, एक बस की चाल जो है 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बस द्वारा 5 सेकंड में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को आपने एक ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करना है। ट्रिक है हमारे पास, सारी लंबाइयां बटा समय सेकंड में गुणा 18/5 = 4। ठीक है, इस ट्रिक को आपने जो याद रखना है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपने इस ट्रिक को फॉलो करना है। ठीक है, तो सारी लंबाइयां, लंबाई कितनी है इस क्वेश्चन में, लंबाई जो हमने निकालनी है, मतलब दूरी जो है वो हमने निकालनी है, तो इसको हम जो x मान लेते हैं, यहाँ पे आ गया x बटा समय जो है वो सेकंड में होना चाहिए, तो इस क्वेश्चन में समय दिया 5 सेकंड, तो इसको हम 5 लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, गुणा 18/5, इसको ऐसे लिख देंगे, बराबर है चाल, चाल है हमारे पास 72 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ पे आ गया 72। ठीक है, अब 18 × 18 और 18 × 72। ठीक है, अब बचा हमारे पास x बटा ये 5 × 5 = 25 = 4। ठीक है, अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आएगा हमारे पास x बराबर है, ये आ गया 25 × 100। ठीक है, तो हमारे पास दूरी निकल कर आई है 100 मीटर की। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 100। तो इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। तो आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर व कमेंट करना है।